शिल्पा के देसी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी से बहुत टेस्टी स्नैक जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बच्चे कभी इससे बोर नहीं होंगे, मांग मांग कर बोलेंगे मम्मी यही बना दो, बहुत अच्छा स्नैक से है। चलो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ठंडी रोटी का मैंने जैसे बताया था पूरी एक साइज की रोटी को कट कर लिया है कैंची से। ये मेरी किचन की कैंची है, उससे मैंने कट कर लिया है एक साइज की रोटी को। और उस पर हम ये डेकोरेशन भी कर सकते हैं और तलने के बाद। और हम तली हुई रोटी को बिना किसी डेकोरेशन के भी चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत क्रिस्पी, कुरकुरी और बहुत टेस्टी लगती है खाने में चाय के साथ। तो इस पर चाट मसाला और हल्की सी मिर्ची वगैरह आप डाल के बना सकते हैं। मैंने तेल गरम रख दिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे चिमटे से उठाना है। चिमटे से उठाने से ये होता है कि बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहता इसमें। अगर हम फ्राई वाले जारे से उठाते हैं ना तो बहुत ऑयल रह जाता है और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ऑयली ऑयली लगती है। तो इसमें ये एक कलर की और बहुत अच्छी फ्राई होने के बाद आप इसे चिमटे से उठाकर बाहर निकाल लीजिए। देखिए चिमटे से निकालने से इसका पूरा ऑयल निकल जाता है। थोड़ी देर आप ऐसे पकड़ के रखिए, पूरा ऑयल रिलीज हो जाएगा इससे। देखिए हमारी रोटी एकदम बढ़िया सिक के तैयार हो गई है, ऑयल फ्री है। देख सकते हैं आप कितनी ड्राई है ये। और इस पर हम डालेंगे हल्की हल्की मिर्ची और थोड़ा सा चाट मसाला। आप ऐसे भी इसे चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत क्रिस्पी और कुरकुरी लगती है ये चाय के साथ। और आप इसको बच्चों को ऐसे भी डेकोरेट करके दे सकते हैं। इस पर जैसे मैं चीज़ डाल देती हूँ तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं इसे। और आप इस पर पनीर, बच्चे की मनपसंद सब्जी डाल के उसे दे सकते हैं। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं इसे। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ये। आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर।